नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर थे, पर मुख्यमंत्री सबसे पहले हरिहर आश्रम कनखल पहुंचे, जहां जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सीएम ने जगजीतपुर स्थित बनने वाले मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता हमारी भावनाओं को जानती है और इस बार मतदान करने के लिए मतदाताओं ने उत्साह दिखाया, वो काफी ज्यादा सराहनीय है। मेडिकल कॉलेज खोलने का जो संकल्प है, उन्होंने थोड़ा ऊपर कर दिया, आगे बढ़ गई। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है। अरे लगा ले, मैं करता रहूं यार, इससे काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में इसकी गति तेज रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में। कालाढूंगी विधानसभा के चलकुआ सूरपुर गांव में ग्रामीणों ने रही एथिनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए कई लंबे समय से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं निर्माणाधीन एथिनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। आज सारे क्षेत्र के किसान और ग्रामीण कालाढूंगी तहसील में केमिकल फैक्ट्री के अवैध तरीके से निर्माण में रोक लगाने के लिए एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कालाढूंगी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री कई माइनों की अनदेखी करके बनाई जा रही है, जिससे कई पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य है जो आजीविक को परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, ग्राम सूरपुर चकलवा में एक एथेनॉल फैक्ट्री जो प्रस्तावित है, उसमें काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो ये माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जो भी आज डिसीजन उसमें आना है, तो जो भी डिसीजन आएगा माननीय न्यायालय द्वारा सबके लिए मान्य होगा, उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा ग्राम सभा है रामपुर चकलवा में, इसमें एक एथेनॉल का प्लांट लगाया जा रहा है, कोई अग्रवाल जी हैं हल्द्वानी, उनके द्वारा। हमारा विरोध यह है, इस प्लांट के लगने से एक तो हमारे जो क्षेत्र का है उसका ट्यूबवेलों का जल स्तर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट में 5 एकड़ में 4-4 बोर खोद दिए गए हैं, और दूसरा ये पॉल्यूशन इससे इतना ज़्यादा होगा कि लगातार सीरा चलेगा और लगातार धुआं से आसपास बगीचे हैं, फल पट्टी है, उनके लिए पानी नहीं होगा, पोल्यूशन से पेड़ खराब हो जाएंगे, पब्लिक का रहना मुश्किल हो जाएगा। जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील क्षेत्र के गांव रुद्रपुर में गोना नदी के कुछ कब्जाधारियों के द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसके विषय पर ग्राम प्रधान रुद्रपुर देवराज सेमवाल से बात की गई। तो उन्होंने बताया कि गोन नदी के किनारे कुछ लोग अपनी जमीन के साथ साथ ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने शासन एवं प्रशासन को दी है। करीब 1.5 साल से मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। वही प्रशासन के द्वारा जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो उनके द्वारा कोई भी सूचना ग्राम प्रधान को नहीं दी गई और खुद ही इसकी नापतोल कर इसे वापस लौटा दिए गए और कोई कार्रवाई नहीं की गई। रंगजी भी हैं यहाँ पे, इन्होंने अभी इनका नदी से देखो ये क्षेत्र प्रभावित हो रखा है, तो इन्होंने अभी कोई वो नहीं देखा कि पटवारी बुलाया है कुछ है, इन्होंने भी अपने तार बार खींच दिया, नदी घेर लिए। दूसरी साइड किसानों के ऊपर ज़मीन लगती है तो वो नदी उधर डाइवर्ट होती है, उससे भी धांग कटती है, किसानों की ज़मीन को नुकसान हो रहा है, गरीब किसान की। तो इसके प्रशासन को कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। मैं ग्राम सभा प्रधान रुद्रपुर निवेदन करता हूँ प्रशासनिक लोगों से या उप जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, त्वरित एक टीम भेजकर इसकी जांच कराएं, जिसका हक है उसे जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा की जमीन ग्राम सभा के दायरे में। अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं था, लेकिन जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि अवैध कब्जा है, हुआ है, तो हम तत्काल वहां अपनी टीम भेजेंगे और अगर ऐसा कोई अवैध काबिज है तो उसको हटाने के लिए जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और प्रधान का, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि प्रधान का कहना है कि जब हमारी टीम जाती है तो उनको बताया नहीं जाता है, तो इस बार जब भी हमारी टीम जाएगी तो उनको भी पूर्व से सूचित कर दिया जाएगा।
चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने लोहाघाट थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी पिंचा ने थाने के हथियारों और डॉक्यूमेंट्स की गहनता से जांच की। पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी पिंचा ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी सुना। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को जनता के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने की निर्देश दिए। देखिए, बेसिकली ये हर साल हमें एक एनुअल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जिसमें आज लोहागढ़ थाने का एनुअल इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे जो माल होते हैं, जो हमारे रजिस्टर वगैरह, उसको चेक किया गया। लगभग सब अपडेट मिला है। इसके अलावा जो हमारे साथी हैं, उनकी सबकी समस्याएँ वगैरह पूछी गई। थोड़ी पानी वगैरह को लेकर दिक्कत है, जिसको दूर करने का जल्दी प्रयास किया जाएगा। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के किसानों से कहा यहां भी एमएसपी पर खरीदारी नहीं होती है। पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है, पानी का प्रबंध है, फैसले यहां भी कम रेट पर बेचनी पड़ती है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि मंडी की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उससे यहाँ के किसानों को फायदा हो सकता है चुनाव में उत्तराखंड। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है बदलाव हो और एक नई सरकार आए जो किसान के हित में बात करे। चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे, कई पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वहाँ किसी एक उसका नहीं है और सबके अब अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे एक दूसरे को तो भाई राज्यसभा दे देते तो वो बढ़िया आदमी था, राज्यसभा नहीं दी तो भाई एलिगेशन लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पे क्षेत्र वाइज अलग अलग इशू वहाँ पे रहते हैं। तो ये है कि जनता तो नाराज़ है इनसे, अगर फेयर चुनाव हो जाएंगे तो इनको नुकसान बहुत होगा। क्या बदलाव होगा भाई? बदलाव को तो पता नहीं, तो जनता के हाथ में बदलाव तो होगा नहीं होगा इसका तो इतने बड़े उसका कौन कह सकता है, तो सर्वे के आधार पे ही बातचीत। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने पर जहां सभी दलों के प्रत्याशी हार जीत के गुड़ा गणित में जुटे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन मतगणना के बाद एंड ऑर्डर ठीक करने पर ध्यान दे रहे हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद पुलिस ने मतगणना के लिए सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया। जिले भर में पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। डीआईजी नीलेश आनंद भरडे ने बताया कि विजय जुलूस निकालने से पहले जीते हुए विधायक को पुलिस हर हाल में अनुमति लेनी होगी। आगे उन्होंने बताया कि सभी शहरों के चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी, हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं की नामावली का संशोधन इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने प्रत्येक बोर्ड के विद्यालयों को विभागीय पोर्टल में नामावली संशोधित करने के लिए आईडी व पासवर्ड भेज दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अगले माह 28 मार्च को हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षार्थियों के नाम, माता पिता के नाम, विषय कोड व जन्मतिथि में अशुद्धि न हो इसके लिए परीक्षार्थियों की नामावली परिषद द्वारा विद्यालयों को चेक करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, ताकि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या ना आए। खबर कलियर से है, जहां पर पंजाब के जायरीनों ने दरगाह साबिर पार्क में करीब 8 किलो चांदी से बना झूमर पेश किया और देश में खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी। झूमर को शाह यावर मियां के नेतृत्व में दरगाह साबिर पार्क में पेश किया गया। वहीं अशोक अरोरा ने बताया कि दरबार में उनकी गहरी आस्था है।
उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने लगा। रविवार को मैदानी इलाकों में धूप खिली रही, जबकि पर्वतीय इलाकों में बादल मंडराने लगे और चारधाम समेत तमाम चोटियों पर हिमपात हुआ। इससे प्रदेश भर में ठिठुरन और लौट आई है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात और मैदानों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ज्यादातर इलाकों में तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।